Good morning children, today we will start chapter number 5. The chapter is Mother's Day. The author of this chapter is J.B. Priestley. So ये जो chapter है, first of all इसके बारे में हम जानेंगे कि ये chapter है किस बारे में. तो chapter शुरू करने से पहले मैं इसके आपको जो outline है वो थोड़ा दे देता हूँ. Then we'll have a summary of the chapter. So, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे घर के अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य रहता है उसको हम कहते हैं मदर. मेरे ख्याल से हर एक घर के अंदर वो कहते हैं, कहावत भी कही जाती है भारत में, हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि अ हाउस इज नॉट ए होम विदाउट मदर. एक जो मकान है वो घर तब बनता है जब उसके अंदर एक महिला होती है जिसको हम माँ के नाम से पुकारते हैं, एक पत्नी होती है जिसको हम वाइफ कहते हैं. तो एक लेडी के बिना एक घर जो है वो नहीं बनता है, उसको एक सिर्फ मकान कह सकते हैं. आप लोग सोच के देखिए कि आपकी मम्मी मदर जो है वो कुछ दिन के लिए बाहर चली जाएं और घर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है. हमें सुबह स्कूल आना होता है तो जो सुबह चाय नाश्ता दूध जो चीज़ें मिलनी होती है, एक बैग हमारा पैक रेडी होता है, कपड़े जो आयर्न्ड होते हैं वो सब चीज़ें हमारी जो है वो छूट जाएंगी. माँ इमरजेंसी में किसी कारण से 4 दिन बाहर चली जाए तो हमारी जो घर की जो पूरी अर्थव्यवस्था है तहस नहस हो जाती है. वैसे ना खाने का ठिकाना होता है, ना पीने का ठिकाना होता है, कुछ भी नहीं. घर के अंदर साफ सफाई सब कुछ एकदम बिखर जाता है. तो माँ जो है उसका जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से ये हम सब लोग जानते हैं. लेकिन क्या माँ को जो रिस्पेक्ट और जो एक वो बोलते हैं थैंक्स गिविंग वो चीज मिलनी चाहिए, क्या हम दे पाते हैं हर बार? तो यहां पर ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को एक ह्यूमरस वे में, बड़ी एक मजाकिया तौर से, एक बहुत ही एक उम्दा किस्म के एक टॉपिक को यहां पर लेखक ने उठाया है. यानी कि एक ऐसा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस टॉपिक के माध्यम से लेखक जो है J.B. Priestley ये हमें बताना चाहते हैं कि भाई जो माँ है, एक लेडी है जो घर के अंदर, वो एक माँ भी है, एक पत्नी भी है, उसको किस प्रकार से हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए. तो एक ह्यूमरस वे में स्टोरी को प्रदर्शित किया गया है लेखक के द्वारा. लेकिन इसके अंदर जो मैसेज है वो बहुत ही सीरियस मैसेज है. तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो मदर्स डे, सबसे पहले हम जानेंगे इसके कैरेक्टर्स के बारे में. तो इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मिसेज एनी पियर्सन, जो कि मेन कैरेक्टर है. ये जो कैरेक्टर है दिस इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. तो दिस इज द मेन कैरेक्टर. इसके बाद जो दूसरे कैरेक्टर्स और भी दिए गए हैं यहां पर वो हैं जॉर्ज पियर्सन. ये कौन है? ये उनका बेटा है, सॉरी ये उनका हस्बैंड है. तो मेन कैरेक्टर जो है एनी पियर्सन और उनके हस्बैंड जो है वो हैं जॉर्ज पियर्सन. तो जॉर्ज पियर्सन और एनी पियर्सन, ये इन्हीं की कहानी है. और डॉरिस जो है वो इनकी बेटी है. डॉरिस कौन है? इनकी डॉटर है. और सिरिल की बात करें तो सिरिल इनका बेटा है, ही इज द सन. तो ये फैमिली यहाँ पर कंप्लीट हो गई है जिनके बारे में चार लोगों के बारे में स्टोरी है. मेन कैरेक्टर देन यानी कि वाइफ जो है वो है एनी पियर्सन, हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन, डॉरिस पियर्सन उनकी डॉटर है, बेटी का नाम है, और सिरिल जो है उनके बेटे का नाम है. और यहाँ पर एक और कैरेक्टर आपको दिख रहा होगा मिसेज फिजराल. मिसेज फिजराल जो है वो इनकी नेबर है. कौन है ये नेबर? यानी कि इनकी पड़ोसी है ये. अब कहानी आगे बढ़ती है. जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत ही एक घरेलू किस्म की औरत हैं. वो बहुत ही ज्यादा अपनी फैमिली से प्यार करती हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल लेडी हैं. यानी कि एक माँ, एक जो हम आइडियल मदर कह सकते हैं, वो एक ऐसी आइडियल मदर है. यानी कि घर में उनका पूरा जो लुकआउट रहता है वो सारा का सारा जो उनका रहता है वो घर की तरफ ही रहता है. पूरे घर की देखभाल करना, अपने परिवार की देखभाल करना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रिगार्डिंग द फैमिली और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लेडी हैं ये. इनकी उम्र 40 साल है और ये बहुत ही सुंदर महिला हैं. अब इनकी फैमिली जो है इसके अंदर इनका बेटा, इनकी बेटी और इनके हस्बैंड जो हैं जॉर्ज पियर्सन, ये लोग बिल्कुल भी उस लेडी की यानी कि मिसेस पियर्सन, एनी पियर्सन की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ना ही उनको बदले में कभी थैंक यू सुनने को मिलता है
और ना ही उनकी वो रिस्पेक्ट जैसी होनी चाहिए घर में है, और उनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं बच्चों के द्वारा भी और उनके हस्बैंड के द्वारा भी। तो इनकी स्थिति कैसी हो सकती है आप देख सकते हैं घर में, यानी कि पूरा सब कुछ सुबह से लेकर रात तक सब कुछ करने के बावजूद ना ही इनको कभी इनके बच्चे, इनकी बेटी या बेटा या इनके हस्बैंड जो है वो थैंक यू भी नहीं बोलते हैं कभी कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज़ के लिए, कभी भी ऐसा नहीं कहा जाता है। और ना ही इनकी उतनी इज्जत की जाती है जैसी होनी चाहिए घर के अंदर एक माँ की और एक हार्ड वर्किंग मदर की, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मदर जो है उनकी जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो भी नहीं है। तो ऐसे में इनका जो इनकी मुलाकात होती है मिसेज फिजराल्ड से, जो कि इनके पड़ोस में रहने आई हैं और वो नहीं आई हैं रहने के लिए। मिसेज फिजराल्ड जो हैं वो ये मानती हैं कि बच्चे हैं या फिर हस्बैंड हैं उनको, वाइफ को अगर हम बात करें जॉर्ज की, यानी कि उनकी पत्नी है एनी, तो जॉर्ज तो पति को अपनी पत्नी को ऑर्डर नहीं देना चाहिए और ना ही बच्चों को अपनी माँ को ऑर्डर देना चाहिए, और हमेशा दे शुड बी थैंकफुल टू द लेडी। अब यहाँ पर हम कभी ये भी सोच के देखें कि हम जो हमारे फादर, यानी कि फादर हैं या जो भी बच्चे ड्यूटी जाते हैं, काम पे जाते हैं अगर कोई, तो उनकी काम का कुछ आवर्स होते हैं, टाइमिंग के आवर्स होते हैं। आपको पता है जैसे कि सुबह अगर 10 बजे ऑफिस शुरू होता है तो शाम को 10 से 4 तक का टाइम है, यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी या 6 घंटे की, किसी की 10 घंटे की ड्यूटी होती है। बट कैन यू टेल मी व्हाट आर द वर्किंग आवर्स फॉर अ मदर? वेल, मेरे ख्याल से एक मदर के वर्किंग आवर्स जो रहते हैं वो 24/7 रहते हैं। एक किसी भी कंपनी में कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, भले बैंक में नौकरी करने वाला है, भले वो हमारी तरह शिक्षक है या भले वो किसी अन्य फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति है, उसका वीकेंड जरूर होता है। भाई संडे को तो छुट्टी होती है हम सबकी, चिल्ड्रन आर वेटिंग ईगरली फॉर संडेज, कि भी संडे आएगा हम एक दिन घर पे मजे से सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, टीवी देखेंगे, शायद कहीं बाहर घूमने जाएंगे। जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं वो सोचते हैं संडे को हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, लड़कियां जो है वो सोचती हैं कि भाई हम संडे को अपना जो भी काम करना है, हम मित्र लड़कियां जो है ग्रुप में इकट्ठी होके जो भी कहीं आना जाना है, कोई एंजॉयमेंट करना है, वो हम कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट मदर? क्या एक माँ ऐसा सोचती है? संडे, मेरे ख्याल से संडे का जो दिन रहता है हमारे लिए एक एंजॉयमेंट का डे होता है, उस दिन माँ के लिए जो दिन होता है वो और ज़्यादा कंजेस्टेड रहता है क्योंकि हम सब लोग घर पे होते हैं। अदरवाइज माँ जो है हमारे जाने के बाद थोड़ा फिर भी मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ कि चलो सब लोग चले गए हैं घर से, पापा चले गए हैं, आप लोग चले गए हो, तो थोड़ा उनका वर्कलोड कम हो जाता है। लेकिन जब हम घर पे हैं तो 5 5 10 10 मिनट में मम्मी पानी दे दो, चाय दे दो, नाश्ता दे दो, ये सब करने में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो माँ के पास एक संडे जो है वो मोर बिजी डे है, मेरे ख्याल से ज़्यादा बिजी डे रहता है वो। तो यहाँ पर मिसेस फिजराल जो मुलाकात करती हैं पियर्सन से, मिसेस पियर्सन से, तो वो उनकी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा वो उन पे दया करती हैं, यानी कि वो देखती हैं कि मिसेस पियर्सन की हालत कैसी है, बहुत ही दयनीय है। अब ऐसे में वो किसी प्रकार से वो चाहती हैं कि उनकी स्थिति में सुधार आए, यानी कि वो उनकी जो परिस्थिति है उसको बदलना चाहती है क्योंकि उनकी दयनीय स्थिति उनसे देखी नहीं जा रही है कि वो महिला है, पूरा दिन काम करने के बावजूद उनके पास ना उनको रिस्पेक्ट मिलती है, ना उनको कोई थैंक यू मिलता है, और इवन ऑर्डर सुनने को मिलते हैं। और इवन मिसेज फिजराल्ड उनसे कहती हैं कि शी इज अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट। क्या कहती है उनसे? दैट शी इज अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट, कि वो एक सर्वेंट हैं, एक नौकर हैं। कैसी नौकर हैं मिसेस पियर्सन? अनपेड, ऐसी नौकर हैं जिनकी कोई पगार नहीं है। अब भाई हम लोग नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, ऑफिसेज में जॉब करते हैं, खुद का बिजनेस है, वहां पे हमें पैसे मिलते हैं, पगार मिलती है, लेकिन माँ जो है वो 24 घंटे सातों दिन लगभग काम करती है एवरी टाइम। अब रात को 12 बजे आपका सर दुख रहा है, पापा को कुछ समस्या हुई तो क्या होगा? मम्मी को उठाया जाएगा, मम्मी मेरा सर दुख रहा है, तो मम्मी तुरंत आपके लिए दवा लेके आएंगी, शायद आपको चाय दूध कुछ पीना है, बाम लगाना है सर पे, तो वो सब करेंगी। लेकिन हम कह सकते हैं कि उनकी जो ड्यूटी है 24/7, लेकिन आपको रात को 12 बजे ऑफिस से फोन नहीं आएगा भाई अभी ये काम करके भेजो, या रात को 2 बजे फोन नहीं आएगा कि भाई ये काम करके भेजो। तो हम कह सकते हैं कि माँ की जो ड्यूटी है वो एज अ सोल्जर 24/7 जारी रहती है। तो मिसेस पियर्सन ने उनको अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट के तौर पे संबोधित किया। अब वो चाहती हैं कि उनकी जो स्थिति है उसमें बदलाव आए, वो सुधरे। अब तभी उसी दौरान इनकी बेटी जो है वो आती है। अब वो आती है और इनसे
चाय मांगती है, लेकिन चाय नहीं बनी होती है, तो ये बोलती है कि चाय अभी नहीं बनी है, मैं बना देती हूँ। अब मिसेज फिजराल जो है वो कहती है कि भाई कभी कभी इन लोगों को वेट करने की आदत भी डालो। एक्चुअल में एनी पर्सन जो है उनका स्वभाव कैसा है कि उनके बच्चों का आने का टाइम होता है जब ऑफिस से, तो फटाफट चाय नाश्ता सब तैयार कर देती हैं, रात को डिनर है वो भी एकदम टाइम पे तैयार होता है, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो बाहर खाना खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं, इनकी शाम हुई वो घर पे आए, घर पे आने का चाय पिया और फिर से वो लोग निकल गए सब लोग। हस्बैंड जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं स्नूकर वगैरह, बेटी है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ या अपने दोस्तों के साथ वो चली जाती है, लड़का जो है वो भी अपने कलीग्स के साथ घूमने चला जाता है, वहां पर वो लोग बाहर ही खाना खाते हैं। तो घर का जो खाना बना खाना होता है, जो डिनर होता है, वो वेस्ट हो जाता है। माँ जो है बड़ी उम्मीदों से वो खाना बनाती है, डिनर बनाती है कि चलो हम सब लोग मिलके साथ बैठ के खाएंगे, लेकिन घर के 3 सदस्य बाहर खाना खा रहे हैं, वो लोग एंजॉय कर रहे हैं बाहर, और माँ जो है वो वहीं के वहीं घर में बैठी है अकेले, उसकी किसी को परवाह नहीं है कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया एटसेट्रा। तो ऐसे में मिसेज फिजराल जो हैं वो कहती हैं कि हर बार हर चीज़ हाथ में देना या तैयार रखना अच्छी बात नहीं, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता भी है। मेरे ख्याल से हम अपनी बात करें, अगर हमारे घरों में, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो इस प्रकार से करते भी हैं। तो मैं भी कहूँगा कि भी माँ जो है उनको थोड़ा सा बच्चों को या अपने हस्बैंड को इंतज़ार करवाना सिखाना चाहिए कि हर चीज़ हाथ में देना, हर चीज़ तुरंत देना, हर चीज़ समय से पहले देना वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमें जब वो चीज़ समय पे ना मिलेगी, हमें जब वो चीज़ तैयार ना मिलेगी, तो हमें उसकी कद्र होती है, यानी कि वी रिस्पेक्ट दैट थिंग, तो हमें उस चीज़ की कद्र पता लगेगी। तो इसी तरीके से मिसेस फिजराल जो हैं वो कहती हैं मिसेस एनी पियर्सन से कि क्यों ना हम अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं, यानी कि अपना व्यक्तित्व है, वो बदल लें। व्यक्तित्व बदलने का मतलब कि मेरी बॉडी के अंदर, यानी कि फिजराल जो हैं वो बहुत ही बोल्ड लेडी हैं, बहुत ही स्ट्रांग लेडी हैं, तो वो कहती हैं कि क्यों ना मेरी आत्मा जो है वो आपकी बॉडी में चली जाए और आपकी आत्मा जो है, आपका व्यक्तित्व जो है, वो मेरी बॉडी में आ जाए। अब ये एक्चुअल में काल्पनिक कहानी, एक ह्यूमरस कहानी, इसीलिए कहा गया इसको काल्पनिक। तो काल्पनिक इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों लोग जो है अपने अपना शरीर बदल लेते हैं, अपनी आत्मा यानी कि ट्रांसफर कर लेते हैं एक दूसरे की व्यक्तित्व को, यानी कि अब एक स्पेल स्पेल जो कि आप जानते हैं मंत्र पढ़ा जाता है। तो वैसे मिसेस पियर्सन को लगा कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मिसेस फिजराल जो थी उन्होंने एक मंत्र पढ़ा और उस मंत्र के द्वारा ये पॉसिबल हो गया। अब हुआ ये कि मिसेस पियर्सन की बॉडी के अंदर मिसेस फिजराल्ड की आत्मा है और मिसेस फिजराल्ड की बॉडी के अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है। अब एक्सचेंज हो चुका है, देखिए अब मेन सीन तब आएगा जब मिसेस एनी पियर्सन जो कि फिजराल्ड के रूप में वहां पर मौजूद हैं और मिसेस फिजराल्ड जो कि एनी पियर्सन के रूप में वहां पर चली गई है वहां से, तो उसका सामना होता है सबसे पहले किससे? उनकी बेटी जिसका नाम है डोरिस से। अब डोरिस आती है और वो अपनी माँ से पूछती हैं कि क्या मेरी येलो ड्रेस जो है वो तैयार है, जो पीले रंग की उसकी रेशमी ड्रेस है वो तैयार है, क्योंकि वो बाहर जाना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड चार्ली स्पेंसर के साथ। तो वो माँ से पूछती है कि क्या मेरी वो ड्रेस है, उसको आयन कर दिया आपने, इस्त्री कर दिया उसको? माँ बोलती है कि नहीं, मैंने नहीं किया है और मैं ये काम करने के लिए फ्री नहीं हूँ। और वो देखती है कि उसकी माँ जो है, यानी कि मिसेस पियर्सन, वो बैठी वहां पर स्मोक कर रही है, शी इज स्मोकिंग सिगरेट। अब ये देखकर जो डॉरिस है वो काफी हक्की बक्की रह जाती है कि मेरी माँ, जिसने, मैंने कभी इनको इस रूप में देखा नहीं कि दैट शी इज स्मोकिंग, लेकिन आज वो पहली बार अपनी माँ को स्मोक करते हुए देख रही है। अब ये देखकर डोरिस काफी शॉक्ड रह जाती है और अपनी माँ से कहती है कि क्या आपने मेरे कपड़े आयन किए? वो बोलती है कि मेरी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, मैं काम अभी नहीं करूंगी, मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलती है कि चाय, क्या मैं अपनी चाय किचन में पी लूँ? वो कहती है गुस्से से कि तुम्हारा जहां मन करता है पी लो भाई, मैंने कब पकड़ा। तो ये देखकर जो बच्ची थी, डोरिस थी, वो और ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है कि माँ जो है वो किस प्रकार से मुझसे आज बात कर रही है। एक्चुअल में हर बार क्या होता था, माँ जो है वो कभी भी उनके साथ इस तरीके से पेश नहीं आती थी। इसके बाद वो माँ जो है वो उसके बॉयफ्रेंड जिसका नाम है चार्ली स्पेंसर, वो उसका मजाक उड़ाती है कि भाई तुम्हारा जो दोस्त है चार्ली स्पेंसर वो तो बक टीथ वाला है, यानी कि उसके तो दांतला बोलते हैं ना, दांत बाहर निकले होते हैं, वो ऐसा है।
और माँ कहती है कि भाई मैं इतना काम करती हूँ, मुझे तो कोई पगार भी नहीं मिलती है, तुम तो काम करती हो, तुम्हें तो पेमेंट भी मिलता है, और तुम तो 8 घंटे काम करती हो, मैं तो 2400 घंटे काम करती हूँ, तुमसे लगभग दुगने तिगुने घंटे काम करती हूँ, तो मुझे तो पगार भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार वो उससे सामने से जवाब देती है, और पहली बार ऐसा होता है जब माँ जो है वो अपनी बेटी यानी कि डोरिस को जवाब देती है। वरना क्या होता है, इससे पहले माँ ने बेटी ने कहा कि मेरा ड्रेस तैयार है, आयन है, वो बोली हाँ तैयार है, उसकी चाय चाय उसके मांगने से पहले उसके हाथ में आ जाएगी। अब आज का दिन एक अलग दिन था, डोरिस को अपनी माँ से काफ़ी जवाब सुनने को मिले। डोरिस जो है वो उसका कोई भी सामान रेडी नहीं है, ना उसकी चाय रेडी है, ना उसके कपड़े आयन किए गए हैं, तो एक नया दिन है उसके लिए और एक शॉकिंग डे है। अब दूसरी बारी आती है, तो इस प्रकार से देखा हमने कि डोरिस जो है जब उसका सामना होता है मिसेस पियर्सन से, तो वो कैसे उसको डील करती है। अब बारी आती है सिरिल की, सिरिल जो कि उनका बेटा है, सिरिल पियर्सन। सिरिल पियर्सन जो है वो एक बिगड़ैल लड़का है, अपनी बहन की तरह, डोरिस की तरह। डोरिस भी एक बिगड़ैल लड़की है और ये जो सिरिल है वो भी एक बिगड़ैल लड़का है, और वो आज बहुत बिजी था, और अभी रात को भी उसको क्या है अपने दोस्तों के साथ जाना है बाहर। इस कारण से वो आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ आपने जो प्रॉमिस किया था आपको याद है, आपने मेरे सामान सारा जो मैंने आपको बोला था क्या उसने तैयार कर दिए। मिसेस पियर्सन जो है वो उसे कहती हैं कि मैंने तुम्हारा कोई भी काम तैयार नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि वो कहती है कि जब घर पे कुछ काम करने की बारी आती है तो तुम उसके लिए तो जवाब दे देते हो, तुम कुछ करते नहीं हो घर पे, लेकिन जब बाहर की बात आती है तो तुम तुरंत भाग निकलते हो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ऐसा कहते हुए वो उठती है और किचन में जाती है कुछ और ड्रिंक लेने के लिए, उसको थोड़ा ड्रिंक चाहिए इसलिए वो बेर वगैरह लेने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। अब सिरिल को भी अच्छे से जवाब नहीं दिया गया माँ के द्वारा। अब सिरिल और डोरिस जो है वो आपस में फुसफुसा रहे हैं एक दूसरे के साथ, कानों में बातें कर रहे हैं, फिस विस्पर कर रहे हैं कि माँ को क्या हो गया, माँ का बिहेवियर आज कैसा हो गया। तभी डोरिस बताती है कि मैंने तो माँ को स्मोक करते हुए देखा, और इवन शी वॉज प्लेइंग कार्ड्स, वो तो ताश खेल रही थी, पत्ते खेल रही थी रमी, जो कि आज तक तो हमने देखा नहीं माँ को ऐसा करते हुए। तभी डोरिस कहती है कि शायद माँ जो है वो गिर गई होगी या फिर उनके सर पे गहरी चोट आई होगी, जिस कारण से वो ऐसा बिहेव कर रही हैं। अब इन दोनों के बाद तीसरी बारी आती है, ये दोनों जो है इनका सामना इनकी माँ के नए रूप यानी कि इनकी माँ जो कि अभी मिसेस फिजराल्ड के रूप में इनके सामने बैठी हैं उनसे होता है, तो इनको काफी शॉक लगता है। अब बारी आती है इनके हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन की। अब जॉर्ज जो है वो जब घर आते हैं तो वो बोलते हैं, उनके घर आने पे वो भी अपनी पत्नी से इसी प्रकार से बिहेव करते हैं, वो भी आते ही ऑर्डर देते हैं कि फटाफट से मुझे एक कप चाय दे दो और आज मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आज वो अपने दोस्तों के साथ स्नूकर खेलने जा रहे हैं क्लब के अंदर। कहाँ जा रहे हैं वो लोग? क्लब के अंदर स्नूकर खेलने जा रहे हैं। लेकिन माँ जो है वो कहती है चाय तो तैयार नहीं है। अब आते ही पिता क्या मांग रहे हैं, जॉर्ज पियर्सन जो है वो क्या मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि चाय दो, लेकिन वो बोलती है कि चाय तो मैंने तैयार ही नहीं की है। अब वो बोलता है कि मुझे फटाफट स्पेशल स्नूकर मैच है आज क्लब के अंदर, तो मैं वहां जाने वाला हूँ और वहीं पर खाना खाऊंगा अपने दोस्तों के साथ। तो मिसेस पियर्सन कहती है भी मैंने तो चाय नहीं बनाई है तुम्हारे लिए। ये सुनकर जो पति थे यानी कि जॉर्ज पियर्सन, वो बहुत ही सरप्राइज रह जाते हैं और काफी शॉक्ड है वो कि उनकी पत्नी जो कि आज तक उनके आने से पहले चाय तैयार होती थी, लेकिन आज उनको चाय के लिए जवाब मिला है सामने से कि चाय तो मैंने बनाई नहीं है, खाना तो दूर की बात है, मैंने चाय भी नहीं बनाई है तुम्हारे लिए अभी। तभी वो मिसेस पियर्सन जो है वो उनसे कहती है कि तुम क्लब में क्या करने जाते हो रोज, तुम्हारे दोस्त जो हैं वो तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वो तुम्हें पॉम्पी ओम्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉम्पी ओम्पी। वो तुम्हें एक आलसी पुरुष के रूप में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी तुम वहीं जाकर बैठते हो। क्या तुम्हें अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में बैठना जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे सामने तुम्हें कुछ नहीं बोलते हैं, तुम्हारे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीछे बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो जॉर्ज से वो कहती है कि क्या वो हर रात हर समय अपनी वाइफ को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है ऐसे लोगों के पास जो कि उसका मजाक उड़ाते हैं, क्या ये अच्छी बात है? तो ये सब देखकर सिरिल और डोरिस काफी भौचक्के रह जाते हैं कि ये माँ को हो गया है तो क्या हो गया है। तभी वो लोग ऐसा प्रतीत होता है उनको कि भी शायद माँ को कुछ चोट वोट लगी हो, ऐसा हुआ हो। तब मिसेस पियर्सन कहती हैं
कि कभी कभी हमें लोगों को हर्ट भी करना चाहिए, यानी कि मिसेस पियर्सन को चोट नहीं लगी है, लेकिन आज मिसेस पियर्सन जो है वो उनको हर्ट कर रही है, उन लोगों के यानी कि परिवार के जो बाकी सदस्य हैं उनको हर्ट कर रही है। तभी मिसेस फिजराल्ड जो हैं वो गेट पर आती हैं। कौन आती है? मिसेस फिजराल्ड, जो कि जिनके अंदर बॉडी, जिसकी बॉडी जो है वो मिसेस फिजराल्ड की है, लेकिन उसके अंदर आत्मा किसकी है? मिसेस एनी पियर्सन की। तो वो अंदर आती हैं क्योंकि अभी एनी पियर्सन यानी कि वो अपने घर पे थी, जो कि फिजराल्ड का घर था वहां पे, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो चेंज हो चुकी है। अब वो देखने आती है कि मेरे घर पर क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके परिवार के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति बुरा बर्ताव करे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे नेचर वाली एक रिस्पॉन्सिबल मदर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हैं, केयरिंग वाइफ हैं और केयरिंग मदर भी हैं। इसलिए वो फटाफट से घर पर आती हैं। तो गेट पर, वो जब गेट खोला जाता है तो दरवाजे के ऊपर कौन खड़ा होता है? मिसेस फिजराल्ड। फिजराल्ड खड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा किसकी है? एनी पियर्सन की। तो फिजराल्ड को देखकर उनका जो बेटा है सिरिल, वो बोलता है सिली ओल्ड बैग, यानी कि उसको एक बूढ़ी औरत कहकर उसको संबोधित करता है, उसको मतलब उसका मजाक उड़ाता है। इस पर मिसेस पियर्सन जो है, जो कि अंदर है, जो कि उनकी मदर, जो कि एक्सचेंज बॉडी करने के बाद अभी जो मिसेस फिजराल्ड हैं, वो बोलती हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम ढंग से पेश आओ, तुम्हें पता नहीं है ये कौन है, पड़ोसी है हमारे, शी इज मिसेस फिजराल्ड, ढंग से पेश आओ। तो मिसेस फिजराल्ड जो हैं वो किस तरीके से ट्रीट कर रही है इनको, काफ़ी स्ट्रिक्टली, यानी कि बहुत ज़्यादा इनको हर बात पे जवाब दिया जा रहा है, हर बात पे इनको लताड़ा जा रहा है। लेकिन एनी जो है वो ये देखकर काफ़ी दुखी होती है, क्योंकि उन्होंने अपने पति को, अपने बच्चों को कभी भी इस प्रकार से जवाब नहीं दिया है। तभी जॉर्ज आता है वहां पर, और जॉर्ज साइड में बैठकर स्मोक करने लगता है पाइप, आपको पता है सिगार जो होता है वो पाइप स्मोक करने लगता है। मिसेस पियर्सन जो है वो जॉर्ज को डांटती हैं और उसको कहती हैं कि मैं तुम्हारे चाटा भी लगाऊंगी अगर तुम इस तरीके से पेश आओगे, तो तुम्हें पता है हमारे घर पे जब कोई आया है तो तुम्हें ढंग से पेश आना चाहिए, तुम स्मोक कर रहे हो। तो जो जॉर्ज था वो भी गुस्सा हो जाता है। तो इस पर एनी पियर्सन जो है वो उससे यहाँ तक कह देती है कि आई विल स्लैप यू, यानी कि वो जो पत्नी है एनी पियर्सन, जो कि आज तक पति के सामने कभी उन्होंने मुंह नहीं खोला होगा, ऑर्डर का उन्होंने पालन किया, चाय नाश्ता खाना सब टाइमली तैयार करके दिया, आज वो लेडी बोल रही है कि आई विल स्लैप यू। तो ये देखकर जो मिस्टर जॉर्ज पियर्सन है उनके तो तोते उड़ जाते हैं, होश उड़ जाते हैं कि ये मिसेज एनी क्या बोल रही है, मेरी पत्नी क्या बोल रही है। इसलिए वो डर कर चुपचाप साइड में बैठ जाते हैं। अब यानी कि माहौल कैसा हो चुका है, आप समझ सकते हैं कि एक घर जिसके अंदर तीन लोगों का वर्चस्व था, और जो मिसेज एनी पियर्सन थी वो एक नौकरानी की तरह, एक अनपेड नौकरानी की तरह काम करती थी, अब वहां पर मिसेज एनी पियर्सन जो है, आज का दिन अगर बात करें तो उसने तीनों लोगों को लताड़ कर एकदम कोने में बिठा दिया है। अब सबके सब शॉक्ड हैं कि ये हमारी माँ को हुआ तो हुआ क्या। तो ऐसे में जो असली मिसेज एनी पियर्सन है वो अंदर आती हैं और वो ये देखकर काफ़ी दुखी होती हैं, और वो रिक्वेस्ट करती हैं मिसेज फिजराल्ड से कि आप वही स्पेल जो है उसको दोबारा पढ़िए, उसी मंत्र को, ताकि हम अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर सकें। अब मिसेस फिजराल जो हैं वो फिर से वही मंत्र पढ़ती हैं, और फिर वो एक दूसरे की पर्सनैलिटीज़ जो थी, ओरिजिनल पर्सनैलिटीज़ में वो आ जाती हैं, यानी कि उनकी बॉडीज जो थी, उनकी आत्माएं थी, वो फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं। अब मिसेस फिजराल जो हैं वो वहाँ से जाने लगती हैं, और वो कहती हैं मिसेस पियर्सन से कि तुम जितना स्ट्रिक्ट रहोगी, जितना टफ रहोगी, उतना ही तुम्हारा परिवार जो है वो सुखी रहेगा। और वो कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे परिवार से इस तरीके से डील करके, लेकिन तुम्हें भी इसी प्रकार से रहना पड़ेगा, तभी तुम इन सब लोगों को संभाल पाओगी। और वो वहाँ से ये कहते हुए चली जाती है। तो ये जो ट्रिक थी, यानी कि एक स्पेल के द्वारा, एक प्लान के द्वारा, एक ट्रिक के द्वारा मिसेस एनी पियर्सन ने अपने परिवार में जॉर्ज पियर्सन जो उनके पति हैं, डॉरिस पियर्सन जो उनकी डॉटर हैं, सिरिल पियर्सन जो उनके बेटे हैं, इन तीनों को किस प्रकार से एकदम सीधी लाइन में खड़ा कर दिया, सीधी लाइन पर ले आए, इस स्पेल के द्वारा, इस ट्रिक के द्वारा, वो हमने इस चैप्टर में देखा। तो कहने का मतलब यहाँ पर लेखक जो है वो हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करते हैं इस पाठ के द्वारा, कि जो मदर हैं वो किस प्रकार से बहुत ही पोलाइट, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग हैं, लेकिन वो केयरिंग लविंग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर हैं या वो हमसे कम हैं, नहीं। आप सोचिए कि आप
8 घंटे काम करते हैं, आपके फादर 10 घंटे 12 घंटे तक काम करते हैं, लेकिन माँ जो है वो 24/7 काम करती है। यहाँ पर सेवन जो है यानी कि 7ों दिन हमें छुट्टी मिल जाती है, हमें सीएल मिल जाती है, हमें रेगुलर संडे सैटरडे सेकंड सैटरडेज ऑफ होते हैं, इस तरीके से बहुत छुट्टियाँ मिल जाती हैं। हमारा दिवाली वेकेशन होता है, हमारा समर वेकेशन होता है, लेकिन एक माँ का कोई भी वेकेशन नहीं होता है। सो रिस्पेक्ट योर मदर, ठीक है, रिस्पेक्ट योर मदर बिकॉज शी इज द ओनली वन इन द वर्ल्ड हु केयर्स फॉर यू फ्रॉम हार्ट। ऑल्दो फादर ऑल्सो केयर्स, ऐसा नहीं है फादर नहीं केयर करते हैं, लेकिन माँ की जो ड्यूटी है वो अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर की जो ड्यूटी है वो अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम मोस्टली घरों में क्या देखते हैं कि फादर जो है उनका वर्चस्व तो रहता ही है, यानी कि उनको तो रिस्पेक्ट वैसे मिलती ही है, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा डर भी होता है बच्चों के अंदर, और फादर का जो एक रुतबा रहता है वो अलग रहता है। लेकिन घरों के अंदर हम अपने आजू बाजू अगर झांक कर देखें तो हमें पता लगता है कि माँ जो है उनकी बात बच्चे नहीं मानते हैं, बच्चे उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब माँ के प्रति जो उनका जो बर्ताव रहता है वो बहुत ही पुअर रहता है, बैड बिहेवियर रहता है माँ के प्रति। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस कहानी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि माँ जो है शी इज़ अ केयरिंग फिगर, बहुत ही केयरिंग फिगर है वो, यानी कि वो आप देखिए आपका, आपके भाई का, बहन का, या जो भी आपके परिवार के सारे सदस्य हैं, आपके दादा दादी हैं, तो सबका जो केयर करती हैं कौन करती हैं, आपकी माँ। बदले में क्या क्या लेती हैं वो हमसे, कितनी सैलरी देते हैं हम उन्हें, एक भी रुपया हमसे वो सैलरी नहीं मांगती हैं, बल्कि जो भी उनको घर के खर्चे के लिए पैसे मिलते हैं शायद उसमें से भी वो 4 पैसे बचाकर जरूरत पड़ने पे वो घर के यूज में ले आती हैं। कभी ऐसी स्थिति आती है कि घर पे पैसे नहीं है, तो ऐसे में माएँ जो है हमारी वो कहीं ना कहीं से 10-5 हज़ार 2 हज़ार 5 हज़ार रुपये निकाल कर उस टाइम उसे एक बहुत ही मंदी के समय पे हमारे हाथ में यानी कि फादर के हाथ में या फिर हमारे जहाँ भी काम अटक रहा होता है वहाँ पर वो यूज़ करने को हमें दे देती हैं। तो माँ जो है वो इस तरह का फिगर होता है। तो माँ को जो डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए, तो आई मस्ट से रिस्पेक्ट योर मदर, क्योंकि माँ जो है वो किस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के, जैसे कि यहाँ पर स्टोरी में बताया गया अनपेड सर्वेंट, अनपेड डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह उनको संबोधित किया गया, तो एक्चुअल में ऐसा ही है। तो वो अनपेड हैं यानी कि उनको हम सैलरी नहीं देते हैं, लेकिन एटलीस्ट व्हाट आर द थिंग्स वी कैन गिव, हम उनको रिस्पेक्ट दे सकते हैं, हम उनको थैंक यू बोल सकते हैं। यानी कि जब भी आपको कोई चीज़ माँ की तरफ से मिलती है, आप माँ देखिए आप घर पहुँचते हैं दोपहर को स्कूल से, तो शी इज़ केयरिंग कि भी मुझे क्या बनाना है मेरे बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए क्या बनाना है आज नाश्ते में खाने में। आप जब दोपहर को लंच के लिए घर जाते हैं स्कूल से, तो माँ बड़ा ईगरली वेट कर रही होती है मेरा बेटा आएगा, वो खुद भले अपनी पसंद की चीज़ ना बनाए लेकिन आपके पसंद की चीज़ बनाएगी, भले वो फिर खाना किसी भी तरीके से खाए लेकिन आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनेगी, आपकी पसंद की चीज़ें बनेंगी। तो ये होती है माँ। सो लेट्स एंड दिस चैप्टर विद ओनली अ सिंगल वर्ड, आई मस्ट से रिस्पेक्ट योर मदर। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।